बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जो जौनपुर में है। अब यहाँ बात करने वाले हैं, ध्यान से देख लीजिएगा मेरी बात को, समझना है आपको। ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन, मतलब कि आज का जो तो पेपर हो रहा है आपका, हाल ही में दोपहर से पेपर है, तो इसमें क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। मैंने जो जो क्वेश्चन अब तक दिए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंसे हैं और आगे भी फंसेंगे, ठीक है, आगे भी फंसेंगे। आपको बस इतना देखना है कि देखो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ लेना। अब आपके पास 2 से 3 घंटे बचे हैं, अब आपको 2 से 3 घंटे में वो क्या क्या पढ़ना है। देखो आपने अब तक पढ़ा होगा जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, जो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन थे, 18 से 20 भी क्वेश्चन हो सकते हैं किसी किसी पेपर में, आपने वो क्वेश्चन पढ़े होंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि यहां से 85% देखने को मिलेगा जो मैंने आपको 1819 क्वेश्चन दिए। अब ये क्वेश्चन जो दे रहा हूं जो उसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ के जाना चाहिए 3-4 घंटे में, समझ रहे हो ना। कौन कौन सा, एक रसारोहण की क्रिया विधि पढ़ लेना है, रसारोहण की क्रिया विधि पढ़ लेना है, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, 5-4 क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और 2 आपका लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए 4 में से 3 करना होगा और 6 लगभग 4 से 5 पूछेगा जिसमें से 2 क्वेश्चन करने होंगे लॉन्ग, ठीक है। इस तरीके से लगभग 20 क्वेश्चन आपसे पूछता है जिसमें से टोटल आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, ओके। अब ध्यान से देख लीजिएगा, यहां रसारोहण की क्रिया है, क्रिया विधि को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। ये आप देख रहे हैं ना, ट्रेस एलिमेंट और ट्रेसर एलिमेंट, जिसे बोलते हैं ना ट्रेसर और ट्रेस एलिमेंट, इनको हम माइक्रो या फिर माइक्रो तत्व कह सकते हैं, सूक्ष्म या फिर अधिक कह सूक्ष्म तत्व जो होते हैं प्लांट पौधों के अंदर, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं सूक्ष्म, ठीक है, वो चीज हमें देखने हैं, माइक्रो और माइक्रो। अब एक बात और यहां देखना है, देखो यहां कह रहा है पौधों में भोज्य पदार्थों का संबंध किस सिद्धांत, ये वाला क्वेश्चन आप देख के जाएंगे। ये क्वेश्चन आप अपने बुक नोट्स गैस पेपर में टिक लगा लेना है, ठीक है। जल संवर्धन कैसे होता है ये आप देख के जाएंगे, ठीक है, इसको देखिएगा। उसके बाद में नीचे पहुंच जाओ, ये वाला जो आपको बताने वाला हूं, ये जल का अपशोषण इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट, इसको रट के जाना है आपको, ठीक है। अपशोषण, जल का अपशोषण पौधे के अंदर कैसे होता है, कैसे होता है अपशोषण, ठीक है, ये आप देख के जाना। बाष्प उत्सर्जन को देख के जाना, मोस्ट मोस्ट यहां बता रहा हूं आपको। प्रकाश संश्लेषण को अभी देखो, जो आपको 3 से 4 घंटे हैं बस इतना ही पढ़ना है आपको, 3 से 4 घंटे में कम से कम यहां से बहुत अच्छे नंबर से फंसेगा आपका, ठीक है। वाष्प उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, जैविक बात को पढ़ लेना, एक बार पढ़ के चले जाओगे तो बना बना के कराओगे, पढ़ के चले जाओगे तो बना बना के कराओगे, याद रखना मेरी बात को, ओके। अब यहां देखो वाष्प उत्सर्जन हो गया, ठीक है, उसके बाद पौधों का, एक बार छोड़ दो, एटीपी का निर्माण कैसे होता है ये पढ़िए। देखो श्वसन, श्वसन क्या होता है पौधे के अंदर, 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीशोषण, एक होता है अनऑक्सीशोषण, ठीक है, दोनों प्रकार के शोषणों के बारे में पढ़ लेना है। और देखो ये आप पढ़ेंगे C3 प्लांट और C4 प्लांट और C3 चक्र जो होता है, जिसे हम कैल्विन चक्र कहते हैं, ये पढ़ के जाएंगे आप लोग, सभी लोग इन क्वेश्चनों को रट के जाएंगे, ओके, इन सभी क्वेश्चनों को रट के जाना है, बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हो आप, ठीक है, टॉपर बनोगे यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हो। उसके बाद में देखो यहाँ देखो पादप वृद्धि हार्मोन्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 100% पेपर में छप रहा है आपकी। इसमें आपको देखो जो पौधे में हार्मोन्स जो वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, जो मैं कह सकते हैं जिस हार्मोन्स के कारण पौधा वृद्धि करता है, बढ़ता है, वो जैसे कि यहाँ देखो जिब्रिलिस, ठीक है, ऑक्सिन और इथाइलिन, ये 3 हार्मोन्स हैं, इन 3 हार्मोन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, यहाँ से 2 हार्मोन्स पक्के पूछे जाएंगे, समझ लो सबसे ज्यादा यही हार्मोन्स पूछे जाते हैं, ठीक है, जो पौधों में वृद्धि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है ये आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन की संरचना पढ़ के जाएंगे, ठीक है, टिक लगा लो, ये अभी आपको अभी हाल ही में 3 घंटे बस यही पढ़ना है। उसके बाद में आपको देखो एंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम, जिसे सह एंजाइम भी बोलते हैं हिंदी में, ओके, एंजाइम का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वो कर ही दोगे आप, नाम पद्धति के बारे में आपसे पूछता है, ईकोड के बारे में पढ़ लेना, लिपिड्स के महत्व और बसा क्या होता है, लिपिड्स क्या होती है, लिपिड्स के महत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिपिड्स हर बार में पूछता है आपसे। उसके बाद में आप नीचे जाएंगे, डीएनए आरएनए में अंतर आप पढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपसे पूछता है। ओपो एंजाइम को भी पढ़ लेना, ओपो एंजाइम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हाइड्रोपोनिक्स इसको छोड़िए, पराक्साइड, देखो परासरण क्या होता है, परासरण आपको पढ़ लेना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। और वहीं देखो C4 चक्र आ गया, C3 चक्र जो था वो केल्विन चक्र था, ये आपका
हैच स्लेक चक्र बोलते हैं इसको, C4 चक्र को, इसको पढ़ लेना है। बिंदु श्राव क्या होता है इसको पढ़ लेंगे। मुंज की परिकल्पना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको। और ये देख रहे हैं इमर्सन इफेक्ट, जिसे हम रेड ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लेता है, भाई रेड ड्रॉप के बारे में बता दो। तो यार देखो इमर्सन इफेक्ट या इसको दूसरे नाम से रेड ड्रॉप के नाम से जानते हैं, इसको पढ़ लेना है। कैम चक्र, CAM चक्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इनको रट के जाइएगा। उसके बाद में आप देखेंगे, देखो फोटो स्पेंस इसको छोड़ दीजिएगा, ये वाला जीव सॉरी बीज अंकुरण क्या होता है आप इसको पढ़ के जाएंगे। देखो वस्तुकरण क्या होता है इसको पढ़ के जाएंगे। नाइट्रोजन चक्र को पढ़ लेना है, नाइट्रोजन चक्र को, ठीक है, नाइट्रोजन चक्र को पढ़ लेना है। ये हमें लास्ट टाइम में पढ़ के जाना है, ये लास्ट जो टाइम हमारा। प्रेथफिट सिद्धांत को इसको पढ़ लेना है। ऑक्सो एंजाइम, प्रो एंजाइम, ये जो एंजाइम के प्रकार होते हैं, जो एंजाइम जहां पढ़ोगे, मैंने एंजाइम बताया था, वहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में आता है देखो ये सीध, देखो सी डर्मेंसी बहुत ज्यादा पूछती है, ठीक है, जो सी कह सकते हैं सी डर्मेंसी होता है, जिसे हम बीज प्रसुप्ति बोलते हैं हिंदी में, इसको बीज प्रसुप्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है, सी डर्मेंसी इन हिंदी। कार इनकी संरचना के बारे में पूछता है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना है। और देखो मैंने आपको बताया था DNA और RNA के बारे में, तो यहां देखो ZDNA आ गया, DNA ZDNA के स्ट्रक्चर के बारे में, देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। दीप्ति कलिता किसे कहते हैं इसको पढ़ लेंगे। दीप्ति कलिता तीन प्रकार से होता है बेटा, एक होता है शॉर्ट डे प्लांटों में, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट द्वारा, एक होता है डे जो नेचुरल प्लांट होते हैं उनमें, ठीक है। इन तीनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेना, थोड़ा अच्छे तरीके से एक बार पढ़ कर लोगे तो, एक बार आप पढ़े हुए होगे किसी क्वेश्चन को तो आप बना बना के कर दोगे, और 100% यही क्वेश्चन देखेंगे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ के जाना, प्रकाश संश्लेषण मैं ऊपर दे चुका हूं। और लास्ट में एक क्वेश्चन है ये वाला, देख लीजिए बीज अंकुरण मैंने ऊपर दे रखा है तो इसको छोड़ दीजिए। देखो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, ग्लाइकोलाइसिस आपको लॉन्ग में पूछेगा, याद रखिएगा, या बैरिसॉर्ट या शॉर्ट में पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा, इन दो में से पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना है बैरिसॉर्ट में कभी नहीं पूछता है, ठीक है। और ये आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे, बाकी आप जानते ही हो जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, वो आप पढ़ के जाएंगे एक बार, ठीक है। और किडवन क्या होता है, किडवन शॉर्ट में पूछेगा। क्रैप्स चक्र के बारे में पढ़ लेना, क्रैप्स साइकिल के बारे में, बस ये पढ़ लेना है, इतना ही पढ़ के चले जाना। अभी 3 घंटे हैं, 3 घंटे में आप पढ़ोगे इनको, वो मुझे बताएं साहब ये पढ़े हुए होंगे, क्योंकि मैंने इंपोर्टेंट पहले दे सकूं पहले ही दे रखा है मैंने इन क्वेश्चनों को इंपोर्टेंट, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है, बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छुड़वा दिए हैं। इतना क्वेश्चन पढ़ के जाइए और अच्छे तरीके से एग्जाम देके आइए, उसके बाद में जो भी पेपर हो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7037327838 पर आप व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और आशा करता हूँ बहुत अच्छे नंबर से पास हूँ, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।